ब्रॉट यू बाय मेघदूत सत्रीठा। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सत्रीठा शैम्पू। देश में लोकसभा चुनाव के होने में भी एक साल का समय बचा है, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव को हर हाल में फतह करने के लिए तमाम बड़े दलों की रणनीति परवान चढ़ती दिखने लगी है और इस दौरान पार्टियों में जोड़ तोड़ का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब राजनीति करवट बदलने लगी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि कौशाम्बी जिले के चायल सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी से सपा में शामिल होकर विधायक बनने वाली पूजा पाल अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की तैयारी कर रही हैं। ऐसी चर्चाएं सियासी गलियारों में जोरों शोरों से चल रही हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक बातचीत लगभग फाइनल हो गई है और जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले में योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो माननीय मोदी जी के नीतियों से और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा में आना चाहते हैं और उनके बहुत लंबी फेरिस्त है और केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करता है। जब केंद्रीय नेतृत्व निर्णय कर देगा तो आपको एक दल नहीं सभी दलों में आप देखेंगे कि कितने लोग भाजपा के साथ आने वाले। आपको लगता है पूजा पाल आएंगी तो उनका स्वागत होगा आप लोग? देखिए, स्वागत जहां तक आप प्रश्न करें, आप देखिए योगी जी के मंत्रिमंडल में 1.5 दर्जन से ज्यादा मंत्री आपको मिलेंगे जो पार्टी में बहुत जल्दी आए थे और आज वो हमारे योगी जी के मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में सुबह बढ़ा रहे। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं जो जिस लायक होगा उसका उस लायक सम्मान होगा। तो बीजेपी की तरफ से बात का सटीक जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ जिस तरह से दयाशंकर सिंह की तरफ से बात को घुमा दिया गया उससे एक बात तो साफ है कि अंदर खाने काफी कुछ चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर जब सपा का पक्ष लेने की कोशिश की गई तो सपा प्रवक्ता अमित जमई का साफ तौर पर कहना था कि एनडीए के डूबते जहाज को बचाने के लिए बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपना रही है। इससे पहले भी बनारस की हमारी कैंडिडेट शालिनी यादव को अपने खेमे में शामिल किया गया था। बीजेपी का अपने ऊपर जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो अपने ऊपर आत्मविश्वास है वो खत्म हो चुका है, इसलिए आप सोचिए कि वाराणसी में एक पूर्व जो हमारी कैंडिडेट थी शालिनी यादव उनको लाना पड़ गया। तो ये सब दिखा रहा है कि जो बीजेपी एनडीए का जहाज है वो डूब रहा है। कहां से कौन आ सकता है एमएलए एमपी बनाने के नाम पर, लोकसभा के चुनाव के नाम पर? लेकिन एनडीए तो जा रहा है ना, एनडीए का जो जहाज है वो डूब रहा है और इंडिया पूरे भारत में दोबारा से जो उसकी आत्मा थी 2024 में वापस आने वाली। बता दें कि पूजा पाल चायल सीट से सपा के विधायक है। बसपा विधायक पति राजू पाल की हत्या के बाद पूजा पाल राजनीति में आई थी। आपको बता दें कि राजू पाल की हत्या में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ नामजद हुए थे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में बीजेपी की सेंधमारी लगातार जारी है और इस क्रम में एक नया नाम सामने आ रहा है, वो है राजू पाल की पत्नी और समाजवादी पार्टी की कौशाम्बी की चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल। दरअसल सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि पूजा पाल जल्द बीजेपी का दामन थाम सकती है। 15 मई को उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी के तौर पर अतीक अहमद और अशरफ के शूटआउट के बाद में लगातार से पूजा पाल सक्रिय रही और उन्होंने इस बात को लेकर के अपने पति की मौत का बदला होने के तौर पर भी इसको कहा था। वहीं इस बीच में हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे नकारा जा रहा है और पूजा पाल भी फिलहाल चुप है, लेकिन सूत्रों के हवाले और जिस तरीके की चर्चा इस वक्त जोर है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि पूजा पाल बीजेपी का दामन थाम सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि पहले वो अपने पद से इस्तीफा देंगी क्योंकि फिलहाल वो कौशाम्बी की चायल सीट से विधायक हैं और उसके बाद पार्टी का दामन थामेंगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बात की भी चर्चा है कि सिराथू या फिर इलाहाबाद सीट से बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में भी उतार सकती है। इस बीच में बीजेपी में लगातार दूसरे दलों के बड़े नेताओं के आने की शुरुआत जो हुई थी वो लगातार चल रही है। तारा सिंह चौहान के आने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एनडीए में एक घटक दल के तौर पर शामिल होना और बाकी नेताओं का भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आने से इशारा करता है, जिसमें अब नया नाम पूजा पाल का जुड़ गया है जो लगातार बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के सियासी तौर पर सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा।